क्या निर्मला सीतारमण यहाँ पर अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या निर्मला सीतारमण अडानी का जो कर्ज है, निवेशकों का जो पैसा है, उसको लौटाने में मदद करेंगे? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं आज सुर्खियों में है और विपक्ष इस पर लगातार कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, खबर सामने आ रही है कि अडानी मामले में सेबी का बड़ा ऐलान, निर्मला सीतारमण को जांच से जुड़ी देंगी पूरी रिपोर्ट। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण सेबी को जांच से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट सौंपेंगी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, ये बड़ी बात है। एक तरफ देखा जाए तो संसद से लेकर सड़क पर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे हैं, वहीं देखा जाए तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर अडानी का नाम लेने से बच रहे हैं, वहीं निर्मला सीतारमण लगातार सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन चुकी हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में जारी उतार चढ़ाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी इस सप्ताह वित्त मंत्रालय को अडानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO की जांच पर अपडेट देगा। सेबी बोर्ड कथित तौर पर जांच के बारे में अपडेट देने के लिए 15 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट जो है देखने को मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि निर्मला सीतारमण जो रिपोर्ट पेश करेंगी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, क्या निर्मला सीतारमण यहां पर अडानी को बचाने का काम करेंगी या फिर अडानी खुद सुप्रीम कोर्ट से फंसते हुए नजर आएंगे। ये तो अडानी के ऊपर चर्चा थी, लेकिन बड़ी खबर एक और सामने आ रही है कि निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया है, एक दावा पेश किया है और साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो घट जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बड़ी खबर आपको भरोसा दिलाने के लिए दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर यानी कि GST के तहत लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का एक फंडा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो घटेंगे? 5 पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन GST से बाहर है। इन उत्पादों को GST के दायरे में लाने की तिथि के बारे में माल एवं सेवा कर परिषद को विचार करना है। उन्होंने कहा कि राज्यों के सहमत होने के बाद हम पेट्रोलियम उत्पादों को भी GST के दायरे में लाएंगे। तो यानी कि ये सब चीजें निकल के भी आ रही है और दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के जो है दाम घट जाएंगे। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे, लेकिन पहली खबर जो थी, जिसको मैंने बताया था कि जो सेबी में एक रिपोर्ट यहां पर निर्मला सीतारमण को पेश करनी है, क्या यहां पर अडानी को बचाने का काम करेंगे या फिर बुरी फंस जाएंगी? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।